नमस्ते जी, राम राम जुले, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो कैसे हो गाइस? मैं जस्ट अभी अभी उठा और अभी उठ के बस चाय बनाता हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, बाकी आप लोग को दिखाता हूँ। लेट्स गो गाइस। ये हमारा घर देख सकते हैं, एक आप लोग को जो ब्लू और रेड वाला दिख रहा होगा वो भी हमारे ही है। और ये गैया माता। फाइनली गाइस ब्रेकफास्ट करके हम चल पड़े खेत की तरफ आज, क्योंकि बिजाई करना है मटर का। आप लोग को मैं आगे दिखाऊंगा मैं खेत पहुंच के। देखो गाइस बर्फ़ ने क्या हालत कर दिया है, चुल्ली के पौधे का पूरा गिर चुका है। अपना ये धार का पानी जो आता है रंग कुलंग से, गाइस अभी तो हमारे को वहाँ ऊपर चढ़ना है, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को। एक तो गाइस बहुत ज़्यादा चढ़ाई है खेत जाने के लिए। फाइनली हम पहुँचने वाले बस वहाँ आ गए है। और ये अपना खेत के दर्शन कराता हूँ आप लोग को। ये अपना खेत देखो गाइस, ये अपने खेत का मिडल खेत बोल सकते हैं। इसको हम पांचुल बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि जो चुल्ली का पौधा है ये सबसे बड़ा चुल्ली का पौधा है। जो चुल होता है वो चुल्ली वर्ड से आया हुआ है। एक बार गाइस हम पानी लाने जाते हैं, क्योंकि हमारा खेत थोड़ा हाइट में ना, यहाँ पे पानी भी नहीं मिलता है। इस पाइप में तो पानी ही नहीं है गाइस, देख सकते हैं आप लोग। दूसरा पाइप तो है पर इसको दबाया हुआ है, इसका जॉइंट शायद यहाँ नीचे हो सकता है, देखते हैं इसको। ये देखो गाइस इसका जॉइंट मिल चुका है, इसमें पानी आ रहा है, भरपूर पानी आ रहा है, फुल का फुल, ठंडा का ठंडा पानी आ रहा है। पानी भरते हैं फिर चलते हैं हम खेत की तरफ, खोदना शुरू करते हैं। फाइनली खेत पहुंचने के बाद खुदाई शुरू करते हैं। देखो गाइस पहाड़ में होके आप लोग ने ये काम नहीं किया है तो लानत है गाइस अपने खेत में। वैसे मैं अकेले नहीं था, फादर थोड़ा नीचे तक गए थे, तो मैं अपना जो अपना एरिया मतलब जहाँ से मैं खोदना जाता था वहाँ से मैं अपना पूरा लेके आ रहा था। मेल बोलते हैं हमारे इसमें, देखो गाइस पूरा लेके आ रहा हूँ, फादर भी पीछे से आ रहे हैं। थोड़ा सा मैंने फादर के उसमें भी कंप्लीट कर दिया। ऊपर खेत करके हम दूसरे खेत में आ गए। मदर फादर और एक हमारे साथ नेपाली है जो हम बेसिकली हम मेरे घर में रहते हैं, उनका नाम हरिबहादुर अंकल है, वो हमारे साथ ही रहते बेसिकली, वो भी खोद रहे हैं। हम लोग सब लगे हुए हैं। ये खेत ख़त्म करके चलते हैं गाइस, एक बार लंच करते हैं, मदर आग जला रहे हैं। गाइस खेतों में खाना खाने का मज़ा कुछ अलग ही आता है, पता नहीं क्यों, तो जितना घर में खाने को मज़ा नहीं आता है उतना खेत में आता है बोल सकते हैं। गाइस ये पूरा लंबा खेत खत्म करने को ही बहुत टाइम लग गया हमको। चलो मामू खत्म, फिर मैं अभी जा रहा हूँ, पर ये खाद आया हुआ है, खाद निकालने के लिए मैं लकड़ियाँ लेके जाऊँगा। फाइनली हमारा बोझा रेडी हो गया है, अब हमको जाने, जो आपको दिख रहे ना दो बिल्डिंग वहाँ जाना है,
फाइनली घर पहुंच चुके हम और हमारा खाद भी आ चुका था। तो हम बेसिकली खाद लेके खाद को मैं अनलोड करके फिर चल पड़ा चचा साहब के साथ। मैं जा रहा हूँ क्रिकेट ग्राउंड और ये आते सागरे रन लेते हुए। ये अपना ओमनी का क्रिकेट ग्राउंड। फाइनली गाइस हम क्रिकेट खेल के चल पड़े वापस से घर की तरफ। पहुंच चुके हैं अपने उन्नी के मेन बस स्टैंड अपने पार्टनर साहब। हार के घर पहुंच चुका हूं और ये मेरी छोटी सी प्यारी बांजी। हेलो बोलो तो निको। हेलो। क्या नाम है? निवेदिता। निवेदिता ये आप लोग को कुछ व्लॉग्स में दिखेगी, आगे भी दिखती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय।